हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। फिजिक्स के अंदर ये टर्म बहुत यूज होता है, बट जो कॉमर्स या आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। बट हमारा समझाने का लेवल ये होगा कि हर बच्चा वेक्टर अलजेब्रा को आसानी से समझ सकता है। देखिए, पहले यहाँ देखेंगे वेक्टर, तो यहाँ आपके कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यहाँ लिखा 10 मीटर, मैंने यहाँ लिखा 10 मीटर नॉर्थ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, यहाँ 10 मीटर एक क्वांटिटी है, यहाँ 10 मीटर जो क्वांटिटी दे रखी है उसमें नॉर्थ मतलब डायरेक्शन भी दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मैग्नीट्यूड है, ये 10 मीटर लिखा ना, ये जो रियल नंबर है इसे हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, कि वो वैल्यू है, और उस वैल्यू के साथ डायरेक्शन दे रखी हो तो वो वैक्टर बन जाएगा। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी दे रखी हो यानी मैग्नीट्यूड दे रखा हो उसे क्या कहेंगे हम? स्केलर वैक्टर, स्केलर कहेंगे उसे। क्या कहेंगे उसको? स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? यहाँ जो डायरेक्शन जो इसके साथ होती है ना, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जो दे रखी है उसे हम वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ यही बताया बेटा कि वेक्टर में क्या होता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन आपके पास गिवन है तो आप उस क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे। अदरवाइज जहाँ ओनली मैग्नीट्यूड गिवन है आपके पास, मैग्नीट्यूड, इट मीन्स वो क्या बन जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी है। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, 40 वाट, तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है बेटा, यहाँ लिखा 25 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ। इसका मतलब ये आपको डायरेक्शन दे रखा है, ये इसकी न्यूमरिकल्स वैल्यू दे रखी है, तो ये इसका वेक्टर बन जाएगा। तो ये वेक्टर के एग्जाम्पल हैं, ये स्केलर के एग्जाम्पल हैं। कुछ टर्म हैं उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे लेंथ है, डिस्टेंस है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये सभी एग्जाम्पल बेटा स्केलर क्वांटिटी के हैं, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बट यहाँ सेकंड वे इधर देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, और फोर्स है, और मोमेंटम है, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? वैक्टर क्वान्टिटी के, राइट। देखो, समझने की कोशिश करो, यहाँ फोर्स आया तो देखो ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को आपको पुश करना है, तो पुश करेंगे तो डेफिनेटली या तो इधर से आप फोर्स लगाएंगे तो ये डायरेक्शन होगी इसकी, या इसको इधर से फोर्स लगाएंगे तब ये इधर आएगा, डिस्प्लेस होगा, या इधर से फोर्स लगाएंगे या इधर से फोर्स लगाएंगे, मतलब डायरेक्शन इसमें गिवन देंगे आप तभी तो, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब इसमें फोर्स पुश करेंगे तब ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, अब आगे देखेंगे कि भाई जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना, वेक्टर को लिखते कैसे हैं, ये देखेंगे आप। जैसे आपके पास एक बेटा पॉइंट है ए, ये पॉइंट लिख दिया ए, इसके बाद ये जो ए लिखा है ये पॉइंट है, अब यहाँ मैंने लिख दिया एक बी, ये दूसरा पॉइंट लिख दिया मैंने, राइट, बी पॉइंट। अब ये वैक्टर नहीं है बेटा ए और बी, अब मैंने क्या कर दिया? ए और बी को ज्वाइन कर दिया। ध्यान से सुनो, ये ए बी को ज्वाइन किया, ये जो ज्वाइन किया है इसे कहते हैं ए और बी को जो मिलाया है, तो एक सपोर्टिंग लाइन है इसके लिए, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली सपोर्टिंग लाइन है ये, ठीक है। ये ए और बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है फिलहाल। अगर हम मैंने इसके अंदर मैंने डायरेक्शन दे दी आपको ऐसे ए इस तरह डायरेक्शन दी, तो ये अब बन जाएगा आपका वेक्टर। और किस तरह लिखेंगे इसको? सर ए से बी की तरफ डायरेक्शन है तो ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, ऊपर इसे क्या लगा देंगे बेटा? एरो लगा देंगे। तो ये वेक्टर को डिनोट करता है। जैसे आपने यहाँ सिंपल ए लिख दिया कि माने ये लेंथ इसकी ए है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ए लिख दिया स्मॉल लेटर में और इस तरह डायरेक्शन दिखा दी, तो ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, बिल्कुल आसानी समझो बेटा इसको। जैसे ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट है फिलहाल, ध्यान रखना ये पी ए पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है, तो अभी ये वेक्टर नहीं है, अब डायरेक्शन देनी होगी बेटा इसको। तो मैंने डायरेक्शन इस तरह से दिया इसको, क्यू से पी की तरफ, तो Q से P डायरेक्शन है, मतलब ये Q से P की तरफ जा रहा है, तो इस आपका क्या लिखना पड़ेगा? पहले Q फिर P, ठीक है, Q से P और फिर यहाँ से इस तरह एरो लगा देंगे, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपका जो पहले जो पॉइंट लिखा है ना, ये Q वाला पॉइंट यहाँ पर देखो, Q इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ था ये इनिशियल, और जो P है इसे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल। तो यहाँ पर भी देखेंगे ए से बी की तरफ जा रहा है, ए बी वेक्टर, ए इनिशियल हो जाएगा, ए इनिशियल, बी क्या कहेंगे आप? टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। ओके, तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना वेक्टर दिखाने के लिए क्या होनी चाहिए? एक सपोर्टिंग लाइन होनी चाहिए, यानी सपोर्ट, ठीक है, इसे हम डायरेक्टेड लाइन कहते हैं। एक बार डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड का मतलब उसकी डायरेक्शन दिखाते हैं अपन, डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन होगी तभी आप वेक्टर को दिखा पाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया? चलिए
अब यहाँ देखो मैंने जो वर्ड पीछे यूज किया सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच पी क्यू इज ए सेगमेंट इज कॉल्ड सपोर्टेड ऑफ द वेक्टर पी क्यू। जिसमें मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, ये लाइन ये ठीक है, ये लाइन है। इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट पी लिया और एक पॉइंट क्या लिया, क्यू लिया, पी और क्यू, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। अभी वेक्टर नहीं है, अब मैंने पी से क्यू दो पॉइंट, आप देखो पी और क्यू जो पॉइंट है लाइन पर है, ये सपोर्टिंग लाइन है आपकी। अब यहाँ मैंने एरो दिखाया इस तरह से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू वैक्टर लिख सकते हैं। ओके, ये जो सपोर्टिंग लाइन है ना, यानी एक लाइन होनी चाहिए, डायरेक्टेड लाइन, तभी आप वैक्टर को डिनोट करेंगे। फिर एक वर्ड आया सेंस, सेंस का मतलब ये जो मैंने लिखा है वो इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, द सेंस ऑफ पी क्यू, मतलब जैसे आपने पी क्यू लिख रखा है वेक्टर, ध्यान रखना ऊपर एरो जरूर लगाना है, अगर एरो नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा बेटा। आपने ओनली पी क्यू लिखा, ये वेक्टर को डिनोट नहीं करेगा, ऊपर ऐसे एरो लगाएंगे। तो पी क्यू का सेंस क्या है, पी क्यू मतलब पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, पी टू क्यू, एंड दैट क्यू पी का मतलब क्या हो जाएगा फिर, क्यू पी इसका मतलब क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ये क्यू ये पी ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये सेंस को बताएगा। ओके चलिए, अब अगला पॉइंट आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, यानी कोई पॉइंट दे रखा है उसको हमें वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इसे अच्छे समझेंगे बेटा। जैसे आपके पास ये 2D फिगर है, यहाँ 2D में ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो ध्यान रखेंगे एक नई चीज़ जो आपके लिए आएगी जो कॉमर्स के बच्चे हैं, एक्स एक्सिस जो है इस डायरेक्शन में एक्स की जगह यहाँ आई कैप यूज होता है, और वाई के लिए क्या यूज होता है, जे कैप, ठीक है। अब यहाँ आपके पास कोई पॉइंट है मान लीजिए पी, और ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिया, एक्स और वाई मान लिया। अब ये फिलहाल ये पॉइंट है बेटा पी। अब हमेशा कभी किसी भी वेक्टर को यानी किसी भी पॉइंट को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो ओरिजिन होता है 0 0, ये इनिशियल पॉइंट बनाना है आपको, और इस इनिशियल पॉइंट से हमेशा ध्यान रखना ओरिजिन से ही इस पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है। तो ओरिजिन ये हो गया यानी कि इनिशियल पॉइंट ओ हो गया, पी इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया, तो हमेशा इनिशियल से टर्मिनल तरफ आपको डायरेक्शन देनी है इसकी, तो ये आपकी डायरेक्शन होगी। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा आपका, ओपी वेक्टर बन जाएगा, ये ओपी हो गया। अब इस ओपी वेक्टर में जो पॉइंट एक्स वाई, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, ये लिखा एक्स और ये लिखा वाई, तो ध्यान रखना ये जो पॉइंट आपका होगा ओरिजिन और ये पी है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी कि इसका एक्स एब्सिसा और इसके एब्सिसा को माइनस करना है, तो एक्स में से 0 माइनस करा, क्या आया सर, एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट था, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्स यूज करेंगे, एक्स एक्स बताइए आई कैप यूज करेंगे यहाँ आई कैप। फिर ऐसे सेम वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई है, यहाँ इसका 0 है, तो वाई में 0 माइनस है कितना है वाई, और ये वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट बेटा ये वाई एक्सिस के लिए डिनोट करता है, तो वाई एक्सिस के लिए यहाँ वेक्टर में क्या आ जाएगा, जे कैप हो जाएगा, जे कैप, और दोनों को क्या कर देंगे प्लस, ये आपका वेक्टर नोटेशन हो गया। अगर कहता है क्वेश्चन कि भाई इसका वेक्टर कंपोनेंट बताओ, तो कंपोनेंट में क्या लिखेंगे बेटा, ये एक्स आई और वाई जे, ये वेक्टर कंपोनेंट है आपका एक्स आई कोमा वाई जे, ये 2D में इस तरह दिखाएंगे अपन। और यही चीज़ अगर 3D में आ जाती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉइंट पी एक्स वाई जेड आएगा, यहाँ ओरिजिन क्या हो जाएगा 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को बेटा, ये पी पॉइंट को, अभी ये ओपी जो है अभी लाइन सेगमेंट है, बट ध्यान रखना ओरिजिन से हमेशा, ओरिजिन में इनिशियल पॉइंट होता है, तो इनिशियल पॉइंट से एरो लगाएंगे इस तरह, तो ये क्या बन जाएगा आपका ओपी वेक्टर। सेम ऐसे इसको माइनस करेंगे तो एक्स में से 0 माइनस करा सर एक्स आया, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान रखना एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वहाँ आई कैप आएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई में माइनस करेंगे तो आएगा वाई, ये जे कैप दिखाएंगे। तीसरा कोऑर्डिनेट जो होता है वो जेड के लिए, जेड एक्सिस के लिए दिखाएंगे, तो जेड एक्सिस के लिए आपका यहाँ जेड माइनस 0 जेड, पर जेड एक्सिस के लिए क्या आएगा के कैप आएगा, और इन तीनों में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, अगर ऑलरेडी माइनस आ रहा है तो बात अलग है, तो प्लस लगाएंगे, ये आपका वेक्टर नोटेशन होगा। इस तरह चीज़ों को आसान भाषा में सीखिए बेटा, क्लियर है तब आगे चलते हैं। फिर एक वर्ड आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू निकालना। तो जैसे आपके पास एक पॉइंट है ये पी, और इस पी पॉइंट को पहले हम, ये ओरिजिन है अपने पास, मैं 2D की बात कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ हमने ओरिजिन से इसमें एरो लगाया इस तरह से, ये आपका वेक्टर नोटेशन हो गया ओपी वेक्टर हो गया। इसे कैसे लिखेंगे भाई, ओरिजिन कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, तो 0 में से माइनस करने को फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह लिखेंगे, ये वेक्टर नोटेशन है। अब आपको उसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड का तरीका होता है बेटा ओपी का मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस का मतलब रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, जे का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये 2D के अंदर है, क्लियर है। यही चीज़ अगर 3D के अंदर होती तो क्या बनता, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू फिर हो जाता एक्स आई, ये एक्स एक्स के लिए आई कैप, वाई जे ये वाई एक्स के लिए, प्लस जेड कैप, ये वेक्टर नोटेशन हो जाता है।
और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, फिर सेम वही प्रोसेस बेटा, रूट ऑफ आई के कॉफिशेंट का, आई मतलब आई कैप के कॉफिशेंट का स्क्वायर क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर, इसका कॉफिशेंट क्या बन जाता है, ये वाई स्क्वायर, और के कैप का क्या बन जाता है, जेड, तो जेड स्क्वायर, ये इस तरह से मैग्नीट्यूड निकलेगा। अब ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो 2D में समझो बेटा इसको, 2 डायमेंशन में कैसे पता लग जाएगा, जी ये एक्स है ये वाई है, सर ये वाई हो गया ये एक्स हो गया, आपको ओपी की लेंथ निकालनी है, तो भाई ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा, तो पाइथागोरस फॉर्म से क्या आ जाएगा सर, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैं ए मान लिया पॉइंट, ओ ए स्क्वायर प्लस सर ए पी स्क्वायर, क्या बन गया सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज ओपी स्क्वायर, ये लेंथ ही तो है, तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान रखना मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल्स वैल्यू, और यहाँ वेक्टर में पढ़ेंगे तो इसका मतलब लेंथ है किसी लाइन सेगमेंट की, जो लेंथ है वही यहाँ मैग्नीट्यूड को बताएगी। ओके चलिए अब आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इसको अच्छे से समझना बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इन पर ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला वेक्टर जीरो वेक्टर, जीरो से पता लग रहा है कोई भी वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है इसका मतलब वो वेक्टर जीरो वेक्टर, या उसे हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर भी कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड जीरो कब आ सकता है, जैसे ये इसका टर्मिनल पॉइंट भी यही है और इसका इनिशियल पॉइंट भी और टर्मिनल पॉइंट भी दोनों सेम है, इनिशियल पॉइंट भी यही है टर्मिनल पॉइंट भी यही है, इसका मतलब इसकी कोई लेंथ नहीं है, लेंथ नहीं है इसका मतलब वो जीरो वेक्टर है, तो ए हो गया, तो हम इसे लिख सकेंगे ए ए वैक्टर ऐसे, यानी बी बी वैक्टर, मतलब इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट सेम है, क्या बन जाएगा जीरो वैक्टर। फिर है प्रॉपर वैक्टर, बहुत आसान है, प्रॉपर वैक्टर का मतलब कोई भी वैक्टर हो वो नॉन जीरो वैक्टर होना चाहिए, अगर कोई नॉन जीरो वैक्टर है उसे प्रॉपर वैक्टर कहेंगे, यानी कोई भी वैक्टर है, मान लो ए वैक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो नहीं आ रहा इट मीन्स वो प्रॉपर वैक्टर है। आगे चलते हैं यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर कहेंगे, कब कहेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी का मतलब क्या, वन होना चाहिए, यानी कोई भी वेक्टर आपके पास आ रहा हो और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा, वन, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ क्या होगा बेटा, लेंथ उसकी है ना, यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर एलजेब्रा में उसकी लेंथ होगी, अगर वो वन आती है तो इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर होगा, क्लियर है, आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब यहाँ कई बार दूसरा क्वेश्चन घूम पर आता है कि वेक्टर दे रखा होगा और आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाला और वो वन नहीं आया, इसका मतलब यूनिट वेक्टर नहीं है, बट आप चाहेंगे उसका यूनिट वेक्टर बन जाए, तो बेटा यूनिट वेक्टर बनाना होगा तो क्या तरीका होता है, जो वेक्टर दे रखा है उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, ये एरो जरूर लगाएं बेटा, उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, ये डेफिनेटली यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर को कैप लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर है, के कैप, जहाँ कैप लग गया इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड वन है, तो यूनिट वेक्टर चेक करना हो तो मैग्नीट्यूड निकालो, अगर मैग्नीट्यूड वन आता है यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज यूनिट वेक्टर वो नहीं है, लेकिन अगर यूनिट वेक्टर बनाना हो तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, वो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, लाइक और अनलाइक वेक्टर, देखो लाइक वेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखी हमने, देखो वेक्टर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव द सेम सेंस, ध्यान रखना सेंस दोनों का सेम होना चाहिए, जैसे पी क्यू वेक्टर लिखा आपने, लिखा क्यू पी वेक्टर, तो इन दोनों का सेंस सेम नहीं है बेटा, क्योंकि इसका सेंस है पी से क्यू की तरफ जाना, ऐसे पी से क्यू, और इसका सेंस है क्यू से पी की तरफ जाना, ये क्यू है या पी है, ये क्यू से पी जा रहा है, यानी कि इसका सेंस पी क्यू ये आ रहा है, ऊपर वाले का नीचे क्यू पी, मतलब इसका सेंस ये आ रहा है, सेंस सेम नहीं है, तो ये लाइक नहीं होगा। तो क्वेश्चन कहता है दोनों का सेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन का सेंस सेम होना चाहिए, और अनलाइक वेक्टर में क्या होता है, दे हैव अपोजिट सेंस हो, यानी कि अपोजिट सेंस होगा, कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर ये गया और एक वेक्टर ये गया, तो ये लाइक वेक्टर होगा, बट अगर एक वेक्टर ये चला गया, ठीक है, ऐसे चला गया, तभी ये लाइक वेक्टर होगा, दोनों का सेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर एक वेक्टर इधर चला गया, एक वेक्टर इधर चला गया, सपोज करो न्यू, मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, सेंस से ध्यान रखना, सेंस का मतलब होता है सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन एक तरफ दिखाई देनी चाहिए, उसे कहेंगे लाइक, अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन है तो उसे क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर। फिर नेगेटिव में और ऊपर वाले में क्या फ़र्क है, देखो इसमें मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि एक वेक्टर ऐसा होगा जिसका सेम मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि अगर इसकी लेंथ इतनी है तो दूसरे वेक्टर की लेंथ भी इतनी होनी चाहिए, बट डायरेक्शन इसकी कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, ये इस तरह से डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो ये आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव वेक्टर, मतलब एक वेक्टर ए है तो इसका नेगेटिव वेक्टर बनेगा माइनस ए वेक्टर, लेकिन ध्यान रखना नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड जो है ना उसका सेम होना चाहिए, लेकिन लाइक अनलाइक में ध्यान रखेंगे लाइक वाले वेक्टर के अंदर एक चीज़ देखनी है कि मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है बट उनका सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। आगे चलिए इक्वल वेक्टर्स, देखो नाम से पता है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में क्या है, टू और मोर टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, पहली कंडीशन, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और सेम या पैरेलल सपोर्ट होनी चाहिए,
ठीक है, यानी कुल मिलाकर अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इतनी लेंथ का अगर दूसरा वेक्टर ये है तो इसे हम इक्वल वेक्टर कहेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, सेम सेंस है, सेम डायरेक्शन है। ये एक वेक्टर ये आ रहा है यूं, इतना पी क्यू, और यहाँ पे इतनी ही लेंथ का आर, यानी कि इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये वेक्टर की लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब वो इक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, इस वेक्टर को दिखाएंगे ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल, तो ये इक्वल वेक्टर का मतलब इक्वली होना चाहिए भाई सब कुछ, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, और सेम सेम और या पैरेलल सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब लाइन सेगमेंट से मतलब है, या तो पैरेलल हो या सेम होनी चाहिए, एक ही लाइन पर हो। ठीक है, नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोलिनियर वेक्टर किसे कहेंगे या जिसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं, तो देखो कोलिनियर वेक्टर को समझ लीजिए, मैंने क्या लिखा, वेक्टर हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट, मतलब या तो सेम हो सपोर्ट या पैरेलल सपोर्ट हो, तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना कोलिनियर का मतलब, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, तो आपने बनाया यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर, और यहाँ से दूसरा वेक्टर मैंने बनाया इधर से लेकर इधर तक का, एक दूसरा वेक्टर हमने बना दिया ये वेक्टर, ये लाइन सपोर्ट, तो ये दोनों वेक्टर आपके कोलिनियर हैं। तो ये तो हुआ सेम, ठीक है, सेम। दूसरा पैरेलल सपोर्ट, ये हुआ सेम सपोर्ट, यानी एक ही सपोर्ट पर बन रहा है। दूसरा पैरेलल सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट का मतलब ऐसे हो सकता है कि एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर आपके पास इसी के पैरेलल ये बन रहा हो, ये इसे भी हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। यहाँ देखो डायरेक्शन कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखेंगे डायरेक्शन आपकी ऐसे हो सकती है कि वेक्टर ये गया और इसी के ही पैरेलल होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वेक्टर, ऐसे ही पैरेलल होना चाहिए बस, ये पैरेलल, इन्हें भी हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर कोलिनियर वेक्टर तो एक ही पॉइंट में होते हैं, ये तो अलग अलग में हैं, समझ रहे बात को, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जैसे सॉरी ये वेक्टर है, यहाँ तक एक वेक्टर माना चला गया और ये एक दूसरा वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, अगर इसी वेक्टर को मैंने कट कर इसके पैरेलल वेक्टर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब ये सेम ही वेक्टर तो है, बी वेक्टर सेम है, ठीक है, इसका मतलब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर भी क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे सेम सपोर्ट हो, एक ही लाइन पे बन रहा हो, या फिर पैरेलल सपोर्ट हो रही हो, तभी भी उसे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये सी है और ए है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, देखो पैरेलल आ रहा है दोनों, तो इसका मतलब ये कोलिनियर भी है, इन्हें कोलिनियर भी कहेंगे, राइट, समझ गए। तो सी और डी ये देखो ए के सपोर्ट बन रहे हैं, ए की लाइन पर, इसी पर ए की लाइन पर बन रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है कोई बात नहीं, तभी भी ये कैसे वेक्टर है आपके, कोलिनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर में ध्यान रखना, ए की लाइन पर भी हो सकते हैं और अलग अलग लाइन पर भी होंगे, तो वो पैरेलल होनी चाहिए, तभी उन्हें कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, आगे है को इनिशियल वैक्टर, देखो नाम से पता है को इनिशियल, क्या लिखा, वैक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, यानी एक वैक्टर का ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक वैक्टर निकला, इसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर, यानी इसका ये इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। ये सारे एग्जांपल क्या हैं, को इनिशियल वेक्टर के एग्जांपल है, ये देखो ये को इनिशियल वेक्टर है, यानी अगर पॉइंट ए, ओ ए वेक्टर ये हो गया, ओ बी वेक्टर ये हो गया, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, यानी कि इनका इनिशियल पॉइंट देखना है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उसे क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? तो ये इन चीज़ों की जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर आगे हम इनके ऑपरेशन पढ़ेंगे, वेक्टर ऑफ ऑपरेशन कैसे करेंगे। क्लियर है, कोलिनियर में कन्फ्यूजन मत लेना बेटा, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये कोलिनियर है, ऐसा चला गया, ये भी कोलिनियर है, बट अगर ऐसे बन रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे बन रहा है तब भी कोलिनियर है, अगर एक वेक्टर ऐसे बन रहा है ये इसी के पैरेलल दूसरा बन रहा है, पैरेलल होना चाहिए, बट ऐसे नहीं कि एक वेक्टर ये बन गया एक वेक्टर ये बन गया, ये नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल सपोर्ट इनके नहीं है, या तो क्या कहना चाहिए, एक ही सपोर्ट होनी चाहिए, एक ही लाइन पर होनी चाहिए, या पैरेलल लाइन पर होनी चाहिए, डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, कोलिनियर में ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।